हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स में मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो गाइस? आप में से बहुत से बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे लास्ट वीडियोस में कि सर मुझे टेक्ला स्ट्रक्चर सीखना है तो उसे पहले कुछ आना चाहिए क्या? ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कमेंट करते हो तो हमें क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है। तो आपका भी जो क्वेश्चंस है माइंड में, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, नीचे कमेंट करो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो। तो उनका क्वेश्चन था कि भाई टेक्ला स्ट्रक्चर्स में सर हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो अब डेफिनेटली अगर सीखने जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट्स में 20,000-30,000 रुपये फीस होगा टेक्ला स्ट्रक्चर का। दिल्ली जैसे जगहों में 50,000-50,000 रुपये फीस है। अब अगर आप ऐसे जगहों पर जा रहे हो 50,000 फीस दे के, वहाँ पर सीखने वाले क्या हो? कमांड्स। ठीक है, क्या सीखने वाले हो? कमांड्स। इंडस्ट्री में जाओगे कमांड्स का कोई यूज नहीं है। क्यों? कमांड्स तो हर कोई सीख जानता है, कमांड का यूज तो है ही, बट कमांड्स क्या है? जनरल थिंग्स है। कमांड्स के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना हमको। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, हमने कमांड सीख लिया, लाइन पॉलीलाइन सर्किट पढ़ लिया है, लेकिन प्लानिंग करना नहीं आता है, वही हाल होता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें जो पहले से पढ़ ले तो टेक्ला स्ट्रक्चर सीखे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आइए इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। और आप भी अगर टेक्ला स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हो तो उसे पहले ये कंप्लीट कर लेना, तब जाना सीखने के लिए। चलिए जी, तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स को पहले तो क्लियर कर लो भाई, टेक्ला स्ट्रक्चर का काम क्या है। टेक्ला स्ट्रक्चर 3D डिटेलिंग करता है। क्या करता है? 3D डिटेलिंग करता है। ओके सर, ये डिजाइन तो नहीं करता है, एनालिसिस नहीं करता क्या? नहीं, एनालिसिस और डिजाइन के लिए ये, इसके लिए टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर यूज करते हैं, जो अलग सॉफ्टवेयर। क्या यूज करते हैं भाई? टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, जो कि एक अलग सॉफ्टवेयर है, वो काम करता है जस्ट लाइक स्टैड और ईटैप्स। क्लियर है? वहाँ पर डिजाइनिंग हो जाती है, फिर डिटेलिंग के लिए टेक्ला स्ट्रक्चर्स में आता है। बट मैक्सिमम जो जॉब देखोगे आप वो टेक्ला स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखोगे। क्लियर है? चलिए, क्या क्या हमको पता होना चाहिए टेक्ला स्ट्रक्चर सीखने से पहले? भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स के स्टैंडर्ड, मतलब ISMB, ISLB, ISHB, जितने भी तरह के बीम्स हैं, जितने भी तरह के कॉलम्स हैं, एंगल सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शन में इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन, फुल नॉलेज, क्योंकि ये सब बहुत कम लोग अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं विथ टेक्ला सॉफ्टवेयर। तो इसलिए जितने मेंबर्स हैं उनके लोअर साइजेस क्या होते हैं, उनके मैक्सिमम साइजेस क्या होते हैं, अगर हॉलो बीम्स हैं तो हॉलो बीम्स के स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं, अगर पाइप्स हैं तो पाइप्स के स्टैंडर्ड साइजेस क्या है, ट्यूब है तो ट्यूब के स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं, इनके बारे में, एक एक के बारे में, हर एक जितने स्टील के मेंबर्स हैं। अगर आपके पास इनका ब्रोशर नहीं है तो क्या बोलते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, तो उसको लिंक में दे दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। उसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइजेस हर एक मेंबर का, जो भी इंडिया में हम लोग यूज करते हैं मेंबर्स, उनके स्टैंडर्ड साइजेस आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरा आपको पता होना चाहिए स्टील के स्टैंडर्ड साइजेस। स्टील में स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? स्टील में कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं, स्टील के ग्रेड्स होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड साइजेस आपको पता होना चाहिए स्टील में, क्योंकि बीम कॉलम के साइजेस तो आपको मिल जाएंगे, बट कॉलम में कितने स्टील प्रोवाइड करने हैं मिनिमम, और सर्कुलर में कितने और रेक्टेंगुलर में कितने, तो जनरल आपको पता होगा, बट आना चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो ये सब क्लियर करके जाओ। इसके अलावा स्टील में अगर RCC में अगर बात करूँ तो कवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर से ही पता चलता है, क्योंकि अगर कवर कम कर दिया तो मटेरियल कम शो करेगा टेक्ला स्ट्रक्चर्स, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कवर के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए आपको। अब ये तो हो गया मेंबर्स। मेंबर्स के बाद आपको गाइस पता होना चाहिए कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शंस में बेस प्लेट कहाँ पर लगाएंगे, बेस प्लेट के कितने टाइप्स होते हैं, बेस प्लेट होता है ना नीचे के लिए, ठीक है, उसके साथ ही साथ अपेक्स हंजेस, जो भी हंजेस यूज कर रहे हो आप, किसके लिए हंजेस यूज कर रहे हो, दो राफ्टर को कनेक्ट करने के लिए, तो हंजेस सिंगल लगाएंगे कि डबल हंजेस लगाएंगे, उसमें होता है टाइप्स होते हैं उसके, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड क्या है। एंड प्लेट क्यों लगाते हैं, पिन प्लेट क्यों लगाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रेसिंग्स जो होती है ना, ब्रेसिंग्स का अलग अलग टाइप्स है, तो ब्रेसिंग्स का आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के ब्रेसिंग्स होती है, कहाँ पर कौन सी हमें ब्रेसिंग्स यूज करनी चाहिए, ये सब आपको पहले ही मिल जाएगा इंटरनेट पे। अभी टेक्ला सॉफ्टवेयर सीखने से पहले ब्रेसिंग्स का आप अच्छा नॉलेज, पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, पर्लिन के जो टाइप्स होते हैं, जेड सेक्शन कहाँ पर पर्लिन का लगाना चाहिए, पर्लिन को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, बेल्डिंग्स, ठीक है, बेल्डिंग्स के बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं, ठीक है, तो उसमें फिलेट बेल्ट क्या होता है, ठीक है, बट बेल्ट क्या होता है, इनके बारे में, सॉरी बट जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग कौन से टाइप्स का बेल्डिंग्स यूज करेंगे। तो दीज आर दी कनेक्शंस। कनेक्शन में हमने बेल्डिंग देख लिया, फिर मतलब कि या फिर आपने नट बोल्ट से जो कनेक्शन किया उसको आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ मेंबर, ये दो चीज़ तो मस्ट है। तीसरा चीज, अगर आप PEB में करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको मोमेंट का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर कितना मोमेंट आ रहा है, क्योंकि मोमेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें स्टील प्रोवाइड होता है। डेफिनेटली उसकी डिज़ाइन आपके पास आएगी,
लेकिन अगर आपको मोमेंट के बारे में पहले से अवेयरनेस है तो आपको डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा गाइस, बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद आपको BBS का अच्छा नॉलेज पहले से होना चाहिए गाइस, क्योंकि BBS क्या होता है, टेकला तो आपको निकाल के दे देगा BBS, बट वो सही है क्या? एक आध डाटा तो हमको क्रॉस चेक करने की जरूरत चाहिए ना, कि कहीं हम लोगों ने कवर तो गलत प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि टेकला सॉफ्टवेयर का काम क्या है, जो डालोगे वही आपको प्रोडक्शन दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि BBS निकालते कैसे हैं। अगर आपको पता है तो गलत नहीं, अगर मान लो इनकेस तुमको गलत लगता है तो तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हो उस चीज को, ठीक है? तो उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको सेफ कोड के बारे में पता होना चाहिए। सेफ कोड क्या होता है? सेफ कोड होता है जब स्टील प्रोवाइड करते हो तो सेफ कोड 00 मतलब स्टेट बार, ठीक है? तो इस तरीके से सेफ कोड अलग अलग है, तो सेफ कोड के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमको कौन सा सेफ कोड, क्योंकि बड़ी कंपनीज में जाओगे केवल कोड दे देगा कि सेफ कोड ये यूज करो बस, ठीक है? तो उसके बारे में अच्छा नॉलेज होता है। तो दीज आर दी सम बेसिक्स, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप डेफिनेटली जैसे टेकला स्ट्रक्चर्स आप सीख रहे हो तो उसमें अलग अलग फैमिलीज होती हैं, इंडियन होती हैं और कैनेडियन होती हैं, अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। फैमिली मतलब होता है मेम्बर्स, जैसे कि आपने अमेरिकन कर दिया तो उसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की स्टील आएंगी। तो अगर आपको US बेस्ड कंपनीज में काम करना है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, तब आप अच्छी जॉब। और ये डेफिनेटली मान लो कि टेकला स्ट्रक्चर्स पे आप अगर किसी भी बड़ी कंट्रीज में जा रहे हो, ठीक है, लाइक इंडिया में भी ऑलरेडी बहुत डिमांड है, बट जैसे कि आप ऐसी कंट्रीज में जा रहे हो जहाँ पर थोड़ा लक्ष्मी का ज़्यादा प्रयोग होता है, मतलब जैसे दुबई में है, तो ऐसे जगहों पर जा रहे हो तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा 100%। कनाडा में बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न एक तो आपको करेंसी पता ही है, बट वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जितना भी बड़े कॉमर्शियल वर्क हो रहे हैं सब स्टील के हो रहे हैं, और स्टील जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर टेकला स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट का डेफिनेटली फिक्स है। तो पहले आप जितनी चीज़ें मैंने बताया आपको कनेक्शंस के बारे में, मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, इनको पढ़ लीजिए। जब इनके बारे में नॉलेज हो जाए तब आप टेकला स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, ऑलरेडी यूनिक्स सिविल से भी सीख सकते हो, हम लोग तो बहुत कम फी में सिखा देते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं यूनिक्स सिविल नहीं मुझे इस इंस्टीट्यूट में अच्छा मिल रहा है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है? बट ये ध्यान रखो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए उसमें। PEB की कोई ड्राइंग आपको मिलनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर PEB की ड्राइंग आपने कभी बनाई ही नहीं, अचानक से आप कंपनी में जाओगे तो कैसे बनाओगे? तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रख के अगर सीखते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी टेकला स्ट्रक्चर्स के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो तो आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा, बट दीज आर दी सम नेसेसरी थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहो और प्लीज़ शेयर करिया करो जरूर, एक लोग दो लोग तक शेयर करोगे तो क्या होगा, उससे हमें हौसला मिलता है और हम दोबारा आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।